दिवस के अवसर पर इससे बेहतरीन गिफ्ट कुछ और नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने इसका प्लान, हम लोगों ने इसका प्लान किया हुआ है। तो ये हमारी तरफ से आप सबको भी आपकी और अब मैं अनु जी को भी बुलाना चाहूंगा, उन्होंने हमें काफी काफी कुछ अच्छी चीजें सिखाई हैं, तो उनको भी एक गिफ्ट उनका बनता है। आइए जोरदार तालियां आ जाए अनु के लिए। सर आज का हमारा प्रोग्राम यहीं तक था, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करें आगे इसको और बेहतर करने के लिए, और जो बाद में आप सर से मुलाकात कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन सारा आपको हमारे विचार में। जिस पौधे को तुम आज लगा रहे हो, पौधे के लगाने का प्लांटेशन के लिए एनजीओ को एक टेंडर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो पर्यावरण को शुद्ध करने का बेड़ा उठाए हो यही काम करो, उसमें धन भी लाभ होगा और सेवा भी करोगे। तो 10 साल पुराना तुम्हारा एनजीओ है तो बहुत है, 3 साल पुराना ही चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई करना होगा, कलेक्ट्रेट में पता करना होगा कि टेंडर कहाँ से होता है, पता करके बताएंगे तो भी अपने स्तर से देखेंगे। इसका टेंडर मिल जाएगा, बंधे के दोनों तरफ आजकल लगाने की प्लानिंग, जितने बंधे हैं मिट्टी के रोड है उसके साइड, और जो बंधा है कच्चा उसके साइड रोड साइड, ताकि उस रोड का भी रक्षा किया जा सके और पर्यावरण के साथ प्लानिंग है, उसमें लॉन्ग टाइम जरूर होता है, पौधा और जाली प्लस उसके उसके एवज में एक आपको क्या बोलते हैं उसको गार्ड, उसका सब खर्चा गार्ड का दूरी है कि पर किलोमीटर एक चापा किलोमीटर हाँ, उसके लिए बहुत सारे घर व्यय हो रहा है, और सारा वो आजकल एन जी ओ में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट अपना वर्कर नहीं रखती, उतना पैसे खर्च नहीं करना पसंद करती, चाहती है कम पैसे में काम मेरा नहीं करते, तो एन जी ओ वाले कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, एन जी ओ को भी दिया जा रहा है, इसके लिए प्रयास करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी 10 साल पुराना है, बहुत है आपको उधर से भी इनकम टैक्स रिटर्न ये लोग भरेंगे तो उसके लिए भी तुम्हारी रसीद की जरूरत पड़ेगी, दो के चार लगाएंगे अभी नहीं, वो कल है ना हमारा पर्यावरण दिवस, आप सब लोगों की ये ड्यूटी है कि घर जाकर इसको अच्छे से लगाकर पहले आए आए हो तो एक एक फोटो क्लिक करें, आए हो ये क्या नाम है टोप लेके घूम रहे हो तो आए हो कुछ बोलने के लिए जाए कैसे, आज एक पौधा यही लगा देते हैं उसका फोटो खींचो अखबार से जो कि पर्यावरण के उपलक्ष्य है, पौधा का रोपण किया कौन सी बड़ी बात, जगह भी है और पौधा भी है, लगाने वाले लोग भी संयुक्त है, ये है वहाँ क्या सर, लगाने वाले लोग भी हैं, पौधा भी है और जगह भी है और संरक्षण के ठेकेदार भी है, देखा है कि वो गेट बंद होगा तो कैसे गाय आएगा, कैसे बकरी आएगा, नहीं गेट बंद तो कैसे आएंगे, तो बस नहीं हुआ हमारी तो फिर हम बता दी क्या, तो कोई आया तो फिर जागरूकता की कमी है ये, या हो सकता है आप गाड़ी सुने डर रहता है।